बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच की लाइव मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को NH-58 पर मंसूरपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा लूट की वारदात होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाकाबंदी कर हाईवे पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। तभी बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बाइक सवार बदमाशों को रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस एक बदमाश को पकड़ने में कामयाब रही। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया है। घायल बदमाश की पहचान मुकीम के रूप में हुई है। इस मुठभेड़ में उसका साथी भागने में कामयाब रहा। वहीं देर तक चली इस मुठभेड़ में दरोगा आरके शर्मा भी गोली लगने से घायल हो गए हैं। मुठभेड़ में हुए घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। बदमाशों के पास से एक बाइक, तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने हाईवे पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया। वहीं पुलिस पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर उसके गैंग का पता लगाने में जुट गई है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही लूट की वारदातों से जिले में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में पुलिस की मुस्तैदी के चलते एक बड़ी घटना होने से बच गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। दीजिए इजाजत।